आज हम बास्केट जो होती है आगे की जो साइकिल में लगती है जिसमें हम काफी सारा सामान भी रख सकते हैं, तो कई सारे लोग होते हैं जो उसे निकाल देते हैं, उसे नहीं रखते क्योंकि वो थोड़ा हैवी भी हो जाता है साइकिल उसकी वजह से। तो मेरे यहाँ भी कुछ ऐसा ही था कि मेरी साइकिल अब मैं यूज नहीं करती हूँ, अब मैं उस साइकिल ही नहीं है, बस ये बास्केट रह गई थी। तो इस बास्केट का आज मैं डस्टबिन बनाने वाली हूँ जो काफी अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो आप इजिली इसमें अपना जो भी अपना वेस्ट वगैरह है उसे डाल सकते हैं और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा, तो आपके रूम रूम को ये और डेकोरेटिवनेस प्रोवाइड करेगा। सो आज हम देख रहे हैं ये जो बास्केट थी, मैंने इसको पेपर में रैप कर दिया है, आप ये देख सकते हैं, ये पेपर में रैप करके मैंने टेप लगा दिया है, टेपिंग कर चुकी है, तो ये थोड़ा कवर हो चुका है। ठीक है, आप नीचे से भी इसे कवर कर देंगे, इसे आप अपने रूम्स में कहीं पर भी इंटीरियर में एज अ डेकोरेटिव पार्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि हम हर बार बाहर आउटसाइड डस्ट जो भी वेस्टेज है उसे डालना पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी जो पेपर्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे घर को और डिस्टर्ब करती हैं, तो हम वो सारी चीजें इसमें डालकर आराम से इसे यूज भी कर सकते हैं और ये अच्छा अट्रैक्टिव लुक भी देगा आपके रूम को। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने बास्केट जो है उसके अंदर भी न्यूज़पेपर से कवर कर रही हूँ, ये थोड़ा सा क्लीन रहे अंदर से भी और मैनेजेबल हो, इसलिए इसको ये जो होल्स होते हैं पोर्स हो, ये आपके हैं नेट है क्योंकि ये, तो अगर यहां से भी आपका जो वेस्ट होगा वो जा सकता है, यहाँ टक हो सकता है, फंस सकता है, तो इसलिए हमने इसको पेपर से इंटीरियर भी इसका कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स ये बाहर बाहर साइड निकल चुका है, तो इसलिए मैं इसको टेपिंग करके अंदर उसको सेट कर रही हूँ, ये मैंने टेप करके यहाँ पर सेट कर दिया, इसको फिनिशिंग दे रही हूँ अंदर से भी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आप काफी ज्यादा फिनिश लग रहा है आपको अंदर से, ये मैंने इसको काफी फिनिश कर चुका है। आप चाहें तो इस पे व्हाइट पेपर या कोई भी कलर्ड पेपर भी यूज कर सकते हैं, मैंने न्यूज़पेपर यूज किया है क्योंकि मैं इस पे कॉस्ट कटिंग करने वाली हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने हैं क्योंकि ये पर्पस क्या है, मैं इसलिए इसमें मैंने न्यूज़पेपर से इसको कवर कर दिया है। अब आपका काम है इसको डेकोरेशन का, आप ये देख सकते हैं ये फुली न्यूज़पेपर से कवर हो चुका है, ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स मैंने इसके आउटर सरफेस पे फेविकॉल लगा दिया है, अब मैं इस पे टिश्यू पेपर स्टिक करने वाली हूँ, ये मैंने इस पे टिश्यू पेपर स्टिक कर दिया, आप देख रहे हैं थोड़ा सा लाइट लाइट अभी भी बैकग्राउंड इसका दिख रहा है, जो न्यूज़पेपर का बैकग्राउंड था उसे हम अच्छे से हाइड करेंगे कि ये बैकग्राउंड सिर्फ येलोइश है वही हमें दिखाई दे। ये मैंने ऑलरेडी पूरा कवर कर लिया है इस बास्केट को, ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका है आउटर सरफेस से, टिश्यू पेपर येलो कलर का मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एक ये फ्लावर कनेक्ट किया है इसको, क्योंकि मुझे अब डेकोरेशन भी करना है, मैंने कुछ फ्लावर्स ये बनाए हैं आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपको कुछ ऐसे फ्लावर बनाने हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। टिश्यू पेपर लेना है और इसको फोल्ड करना है, मैंने टिश्यू पेपर को फोल्ड किया, कैसे भी आप फोल्ड कर सकते हो इसको, रोल भी कर सकते हो, मैंने इस वे में किया हुआ है। सो ये मेरा टिश्यू पेपर कुछ इस टाइप से आ गया, फिर मैं इसको रोल करना स्टार्ट कर दिया लाइक दिस पे, आपको रोल करना है, आपको एक फ्लावर जैसा लुक मिलेगा। ये आपका इस टाइप से आ गया, अब इसको आप टेपिंग कर देंगे जिसमें ये फ्लावर बंद हो जाए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ग्लू लगा दूंगी और फिर इसे डायरेक्ट स्टिक कर दूंगी, मैंने ग्लू लगाया, उसके बाद आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ,
से प्रेस कर दीजिए या आप इस टाइप से एक रो बना लेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने इस टाइप से इसको लगा दिया सीरीज में। अब यहाँ पर जो मैंने 4 फ्लावर्स आपको दिखाए थे उसको एक टिश्यू पेपर में रोल करके यहाँ पर स्टिक कर दिया है। फ्रेंड्स ये मैंने थ्रेड का एक थ्रेड को पहले एक पेपर में रोल करके और फिर उसको निकाल के इस टाइप से टाई कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर स्टिक करने वाली हूँ, यहाँ पर ये मैं स्टिक करने वाली हूँ। इसको मैं थोड़ा सा शेप दे दूंगी। सो फ्रेंड्स ये मैंने एक शेप दे दिया इसको बोके टाइप का। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये किस टाइप से आपको लुक मिल रहा है, ये एक बुके जैसा फील आ रहा है इसको देखने पे। ये आपकी सीरीज में लगा हुआ है, ये बुके जैसा आपका यहाँ लगा दिया। नाउ अब हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। बॉल्स हैं थर्मोकोल वाली, मैं इनको भी इसमें स्टिक करने वाली हूँ। आप देखते जाइए किस टाइप से स्टिक होगा। ये मैं स्लोली स्लोली इनको सारे स्टिक करती जाऊंगी रैंडम कलर्स पिक करके। ये आप देख रहे हैं मैंने ये छोटे छोटे बॉल्स स्टिक कर दिए। फ्रेंड्स ये मैं ये आप देख रहे हैं ये एक्चुअली लिप का शेप दे रही हूं मैं। मैंने एक ये पेपर को फोल्ड किया और इसको फोल्ड करने के बाद इसको ये पत्ती की शेप में मैं काट लूंगी और फिर इस पर स्टिक कर लूंगी। जैसे मेरा लगे कि जो लिप है वो ओपन है या कुछ कह रहा है तो इस वे में, इसलिए या तो मैं सिंपल स्टिक भी कर सकती थी बट मैंने थोड़ा सा पत्तियों के फॉर्म में कर रही हूँ, मतलब लेयर बाय लेयर हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने 2 स्टिक कर दिया है, अभी तीसरा इसके ऊपर ये इस वे में स्टिक कर रही हूँ। आपको कुछ आप देख पा रहे हैं कुछ बोलने वाली फीलिंग आई जिसमें कि द थिंग इज जो फेस है फेस मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कुछ बोल रहा है मुझसे। सर्कल ले लिए जिससे मैं आईज बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है। ये लिप्स भी हो गए हैं, मैंने आईज लगा दी हुई हैं। ये 2 मैंने ये भी पेपर का कट किया हुआ है तो ये दोनों स्टिक कर दिए। अब मैं इसकी आई लैशेस लगाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी मैंने आई लैशेस बनाई है। ये फाइनल मेरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये किस टाइप से बना हुआ है। आपको बस सेम स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है और उसके बाद आपको इस टाइप से मिल जाएगा।